हाय गाइज, वेलकम बैक इन माय मिनी ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे पिछले मिनी ब्लॉग देख के पता ही चल गया होगा कि मैं पहाड़ों में आई हूँ, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पहाड़ी डोसा यानी कि छोई रोटी की रेसिपी, जो कि चावल के आटे से बनी थी। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये भी। तो इसके सबसे पहले क्या करना होता है कि चावल का आटा लो, उस पर थोड़ा पानी डालो और फिर बस थोड़ा बहुत नमक मिर्च मसाला डालो और उसके बाद गैस पर तवा रखो, उसे गर्म कर लो, उसे तेल डालो और फिर डालो उसे अच्छे से फैला लो और फिर जब वो थोड़ा सा नीचे से गर्म हो जाए तो उसे पलट लो। तो इस तरीके से आसानी से ये जो पहाड़ी डोसा है वो तैयार हो जाता है। तो फिर हमने ये आग भी बनाया था, आग पे भी सेम रेसिपी है, बस आटे में वो पानी और मसाला सारा डाला, तवे को आग के ऊपर रखा, तवे को गर्म किया, उसके ऊपर वो जो हमने बैटर बना रखा है उसको डालो से अच्छे से स्प्रेड कर लिया और उसका जब नीचे थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके नीचे से जो पनोला है उसे डाल के उसे पलट लिया और उसे दोनों तरह से अच्छे तरीके से सेक लिया ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। तो फिर वो बहुत ही बढ़िया टर्न आउट होता है और वो खाने बहुत टेस्टी था। तो मैंने इसको आम की चटनी के साथ खाया और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।